नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जिला जांजगीर चांपा पामगढ़ सद्भावना भवन में सामूहिक 15वें जोड़ी का हुआ विवाह संपन्न। शासन प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। शाकंभरी बोर्ड कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त विधानसभा पामगढ़ के विधायक महोदय क्षेत्र की जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आपको बता दें सभी मुख्यमंत्री कन्या विवाह में बैठे सभी जोड़ों को विवाह की आशीर्वाद दिए एवं उन जोड़ों की उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को शासन के द्वारा 50,000 रुपए का सहयोग राशि भी दिया गया है, जिसमें दुल्हन को पायल बिछिया सिंगार समान एवं 21,000 रुपए सभी के खाते में डाले गए। इस कार्यक्रम में पामगढ़ अनुविभागीय अधिकारी आर के तंबोली एवं महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी का विशेष योगदान रहा। निखिल कश्यप की रिपोर्ट। हमारे कन्या अधिकारी जिलाधिकारी अग्रवाल मैडम और हमारे ब्लॉक अमन साहब, जिसने बहुत ही अच्छे से हमारे ढंग से आज इस कार्यक्रम को करवाया, जिसने हमारा टीम वादे वादे के साथ डांस के साथ और हमारे कार्यक्रम की समस्त सभी पार्टी का सभी आयोजित किए गए थे और प्रशासन के द्वारा सबको बहुत ही सुंदर ढंग से कार्यक्रम होगा। मैं निरंतर चाहता हूँ कि गरीब उचित तरीके से निश्चित रूप से इसका लाभ लेना चाहिए। अभी हमने तो एक बैगा समाज कवर और एक पटेल समाज सोचिए भला इच्छुक थे, हमने शासन की योजना में भागीदारी निभाई, निश्चित रूप से भागीदारी निभाना चाहिए। आज का जो सामूहिक कन्या विवाह मुख्यमंत्री द्वारा जो हुआ है, इसको बढ़ावा देने के लिए हर गाँव गाँव गली गली चौक अपने क्षेत्र में सामग्री में क्या क्या दिए? सामग्री में अलमारी है, रखी है उधर ऊपर है, श्रृंगार सामग्री है, बर्तन है और चांदी की बिछिया, मंगलसूत्र और कुकर, ये सब सामग्री। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।